हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आज हम बात करेंगे सोफिया गार्डन कार्डिफ इंग्लैंड की पिच रिपोर्ट के बारे में। जो सोफिया गार्डन कार्डिफ जो क्रिकेट स्टेडियम है इंग्लैंड में, उसकी पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो ग्रासी लेयर की है, मीन्स वहाँ पर घास है और कम है, इसलिए ये पिच है जो फास्ट बॉलर्स के फ्रेंडली है, फास्ट बॉलर के फ्रेंडली है। आगे मैं बताऊंगा कि फास्ट बॉलर में भी सबसे ज़्यादा किसको सूट करती है। यहाँ पे जो स्कोरिंग है वो मीडियम है, यहाँ इस पिच की जो स्कोरिंग है वो मीडियम है, सरफेस है वो ग्रास है, घास है, और ये पिच जो है वो दोनों के सूटेबल है, बैटर्स के भी सूटेबल है और बॉलर्स के भी सूटेबल है। वैसे इस पिच को बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन ये पेसर्स को भी सूट करती है। लेकिन कब? स्टार्टिंग में जब न्यू बॉल होती है तो बॉल अच्छे बाउंस होती है और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको सूट करती है, और बाद में जब हाफ मैच के बाद जब पिच स्लो हो जाती है तो स्पिन बॉलर्स को भी सूट करती है। तो ये पिच दोनों के लिए सूटेबल है, स्पिन बॉलर्स के लिए भी और फास्ट बॉलर्स के लिए भी। तो जब हम अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाएंगे तो हम स्पिन बॉलर्स भी लेंगे और फास्ट बॉलर्स भी लेंगे। इसका जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 150 रन्स के लगभग है। इस पिच का जो सोफिया गार्डन कार्डिफ जो पिच है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 150 रन के आसपास है। लेकिन जिस दिन बादल होते हैं, ओवरकास्ट होता है, उस दिन ये बॉलर्स का फेवर करती है। जिस दिन बादल होते हैं और कास्ट होता है, उस दिन ये बॉलर्स को सूट करती है, और इस पिच पे चेज करना ज़्यादा बेटर माना जाता है। मीन्स जिस टीम ने चेजिंग की उसका विनिंग रिकॉर्ड बेहतर है बजाय जिसने फर्स्ट बैटिंग की। जैसे मैं बात करूँ T20 की, तो T20 में जैसे यहाँ पे अभी हाल ही में 9 मैचेज हुए, और 9 मैचेज में 3 मैचेज हैं वो जीते जिसने बैटिंग फर्स्ट की, और 6 मैचेज उसने जीते जिसने बैटिंग सेकंड की या चेज किया। तो इसका मतलब यहाँ पर चेजिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। जो टॉस विनर कैप्टन्स है वो चेज करने को प्रायोरिटी देता है। तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है कि अपनी फैंटेसी टीम बनाते समय और बाद में जब हम सिलेक्शन करते हैं तो चेजिंग टीम को प्रायोरिटी पे रखना है। हमें फास्ट बॉलर्स भी लेने हैं, स्पिन बॉलर्स भी लेने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को ये पिच सपोर्ट करेगी और बाद में स्पिनर्स को भी सपोर्ट करेगी, और जो स्कोरिंग है वो एवरेज 150 के आसपास रहती है। अगर हम बात करें विकेट टेकिंग की, तो विकेट टेकिंग में यहाँ पर अगर पहले हम बात करें राइट आर्म बॉलर्स की, तो राइट आर्म बॉलर्स ने लास्ट कुछ मैचेज में 75 विकेट्स लिए हैं, T20 में 75 विकेट्स लिए हैं। तो अब जो फास्ट बॉलर्स हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने अभी तक टोटल 75 विकेट्स लिए हैं। उसमें राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं उनके 25 रन हैं। जो राइट आर्म बॉलर्स हैं उनके 75 विकेट्स हैं, जिसमें राइट आर्म फास्ट बॉलर है उसके 25 विकेट्स हैं। यस, लिसन मी केयरफुली, फिर सुन लीजिए कि राइट आर्म बॉलर हैं उनके टोटल 75 विकेट्स हैं, जिसमें राइट आर्म फास्टर के कितने हैं 25, राइट आर्म फास्ट मीडियम के 23 और राइट आर्म मीडियम के 6 विकेट, और राइट आर्म स्लो या स्पिनर्स के 21 विकेट्स। तो राइट आर्म बॉलर्स हैं उनमें अगर हम गौर से देखें तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं उनमें स्पिनर्स हैं जिनके 21 विकेट्स हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं जिनके 25 विकेट्स हैं, और राइट आर्म फास्ट मीडियम हैं जिनके 23 विकेट्स हैं, लेकिन राइट आर्म मीडियम के 6 विकेट हैं यहाँ पे। राइट आर्म मीडियम बॉलर के 6 विकेट हैं, इसका मतलब राइट आर्म मीडियम बॉलर यहाँ पर कम चलते हैं, और राइट आर्म फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा चलते हैं जिनके 25 विकेट्स हैं, फिर फास्ट मीडियम जिनके 23 विकेट्स हैं, और फिर स्लो बॉलर्स, राइट आर्म स्लो बॉलर जिनके 21 विकेट हैं। ठीक इसी तरह हम बात करें लेफ्ट आर्म बॉलर्स की, तो सेम यही कंडीशन है। यहाँ लेफ्ट आर्म बॉलर्स के जो टोटल विकेट्स हैं वो 20 हैं T20 में, जैसे राइट आर्म बॉलर्स के 75 हैं लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर के 20 विकेट्स हैं। तो लेफ्ट आर्म बॉलर में हम बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उसका 1 विकेट है यहाँ पे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को सिंगल विकेट मिला है, और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है उसको 12 विकेट मिले हैं, 12 विकेट मिले हैं। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मीडियम जो बॉलर है वो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, और लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है उसको भी एक ही विकेट मिला है। देखिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को भी एक विकेट मिला है और लेफ्ट आर्म मीडियम को भी एक ही विकेट मिला है,
जो 12 विकेट मिले हैं वो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को मिले हैं, और स्लो बॉलर्स हैं उनको कितने 6 विकेट्स मिले हैं। तो लेफ्ट आर्म की भी हम बात करें तो स्लो स्पिनर्स चले हैं जिनको 6 विकेट मिले हैं, और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर चले हैं जिनको 12 विकेट मिले हैं। तो इस तरह से हम अपनी टीम बनाएंगे बॉलर्स का ध्यान में रख के कि कौन चलता और कौन नहीं चलता, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि फास्ट बॉलर, लेकिन फास्ट बॉलर में किन को चुनना है ये हमें ध्यान नहीं होता, और लेफ्ट आर्म बॉलर तो चुनना है लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर में किसको चुनना है ये हमें ध्यान नहीं होता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद कर सकूँ कि आप सही तरीके से कि फास्ट बॉलर में भी किस टाइप का बॉलर चुनें, लेफ्ट आर्म बॉलर में भी किस टाइप का बॉलर चुनें, ताकि आप बेहतर टीम बना सकें, अच्छी टीम बना सकें। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे वीडियो को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।